तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी नेक्सा ग्रैंड विटारा अल्फा के बारे में। यह एक उच्च गति वाली यानी हाई स्पीड वाली प्रीमियम एसयूवी है जो नेक्सा शोरूम के तहत प्रोवाइड की जाती है, यानी नेक्सा के अंडर इसको बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी विशेषताएं यानी इसकी जो जानकारी मैं आपको देना स्टार्ट करते हैं, फीचर्स वगैरह एंड ऑल। तो कुछ पॉइंट के थ्रू समझाऊंगा, जैसे कि नंबर वन पे है डिज़ाइन और रूपरेखा। इसकी रूपरेखा के बारे में बताऊं तो मारुति सुजुकी नेक्सा ग्रैंड विटारा अल्फा का डिज़ाइन बहुत आकर्षक है। यह एसयूवी आधुनिक स्टाइल और भारतीय परिवारों को आवश्यकताओं में ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। ये बहुत ही प्रीमियम एसयूवी हो जाती है। इसका साइड लुक है, साइड प्रोफाइल जो आपको गाड़ी का देखने को मिलेगा, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड शानदार। और ये जो एलॉय व्हील है ना, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एलॉय व्हील आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे, जो कि हमारे सामने है अल्फा। अल्फा है ये वेरिएंट, अल्फा टॉप मॉडल होता है नेक्सा का ग्रैंड विटारा में, या इसके सारे वेरिएंट्स के अंदर जो अल्फा वेरिएंट होता है वो टॉप होता है, जैसे कि अरेना में ZX है प्लस होता है। ऊपर अगर मैं सनरूफ की बात करूं तो भाई यहाँ पे सनरूफ आपको पैनोरामिक दिया गया है ऊपर और पीछे से, साइड प्रोफाइल से, फ्रंट से, इतना शानदार लुक दिया गया ना गाड़ी का, मतलब तारीफ कर सकते हो आप। और शार्क टैंक एंटीना के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्रेजा वाली फीलिंग भी मिल जाएगी भाई। और ये पीछे से अगर रेयर आप इसका पार्ट देखोगे तो आपको टेल LED टेल लैम्प्स वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रिफ्लेक्टर एंड ऑल। पीछे का जो लुक है देखो आप, सारी चीज़ें डिफोगर पे वाइपर, और वाइपर के नीचे जस्ट क्रोम एंड हाइब्रिड है भाई। इसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से ये एवरेज भी बहुत शानदार क्लेम करेगी। यहाँ आपको तीन ऑप्शन जो दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टर ग्रैंड विटारा में है, अल्फा में दो पंखे हैं जो कि पहले सी पिलर और पिलर के बीच में एक त्रिकोणीय खिड़की दी गई है, जो कि उपयोगी खरीदारियों के लिए, जो खरीदारी करते हैं जो इसके यूज़फुल कस्टमर्स हैं उनके लिए अधिकतम पहुंच इसको देते हैं। नाउ शानदार एलॉय व्हील के साथ बड़े टायर में आपको 17 इंच का यहाँ पे टायर साइज देखने को मिल जाता है मेरे भाई। R17 इसकी टायर साइज है, फ्रंट टायर जो कि है इसका। और तो यहाँ पे आपको अपोलो के टायर देखने को मिलते हैं। और आपकी ये साइड प्रोफाइल अगेन मैं सीन करा देता हूँ। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे की ओर और आपको बताता हूँ इसके मिरर जो ORBM है उसमें ही इंडिकेटर देखने को आपको मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी कूल बनाता है। इसके जो डोर हैंडल हैं वो बॉडी कलर में मिलते हैं, ब्लैक सा छोटा सा बटन मिल जाता है आपको। एंड नाउ इसका डोर हम ओपन करके दिखा देते हैं। चलो इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर और फीचर्स के बारे में आप बताने वाला हूँ तो नेक्सा ग्रैंड विटारा अल्फा की इंटीरियर बहुत शानदार है और बहुत ज़्यादा इसमें सुविधाएं आप, मतलब आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस वेरिएंट में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के अंदर स्थायी शानदार उच्च गुणवत्ता वाली सीटों का उपयोग किया गया है, मतलब शानदार सीट्स हैं इसकी। सुविधाजनक इंटीरियर फीचर्स में आपको 10.4 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशनिंग, पावर स्टेयरिंग एंड पावर विंडोज, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, यानी वायरलेस चार्जिंग इसमें वो भी एक पॉइंट जहाँ आप मोबाइल रख सकते हो, अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। एंड पार्किंग सेंसर्स, इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा, मतलब रिवर्स कैमरा जो है इसमें वो पीछे फिटेड है। ABS एंड EBD और क्लेस एंट्री शामिल हैं, ये सारे इसके फीचर्स थे। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये इसका डैशबोर्ड है, देखो कितना अच्छा कितना कूल है। 10.4 इंच का इसका इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे आपको इंटीरियर कूल लग ही रहा होगा। और गेट पे भी आपको दो कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, ब्लैक एंड कॉफी कलर। ऑल्सो एक बोतल रखने का सॉकेट आपको दिया गया है। नीचे स्पीकर का हाउसिंग है, मतलब स्पीकर भी है उसमें। और क्रोम के अंदर इसके अंदर के हैंडल्स हैं। एंड एज यू कैन सी सामने आप देख पा रहे हो कितना बड़ा सारा टच स्क्रीन आपको दिया गया है। और ये सारे फीचर्स जो है ना ग्रैंड विटारा को काफ़ी कूल बनाते हैं। ये आपका 1000 बटन, इससे आपकी चार पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और इसके साइड में ही आपको AC के कंट्रोल्स हैं, हाथ से आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। ये मैंने बटन दबाया, देखो लाइट हो गए, इसको ऑफ कर देते हैं। ये आपको मैंने जैसे बताया आप एडजस्ट कर सकते हो AC की कूलिंग अपने अकॉर्डिंगली। थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो दो सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये क्या है हम देख लेते हैं। तो 12 वोल्ट का आपको 120 वोल्ट का आपको एक एडिशनल चार्जर सॉकेट मिलता है। सेकंड पे आपको एक USB
सॉकेट मिलता है जिसमें आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन को। नीचे जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ये आपका वायरलेस फ़ोन चार्ज सिस्टम है। यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन रखो देन विल बी ऑटोमेटिकली चार्ज, वो आपका स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। 5 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है एक रियर, एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, यहाँ पे छोटी सी एक सॉकेट वाली जगह, यहाँ पे आप दो बोतल्स रख सकते हो, कप रख सकते हो, एज यू कैन सी एज यू विश जो आप रखना चाहो रख सकते हो। ये आपको ड्राइवर साइड का जो डोर है उस पर ही आपको सारे फीचर्स, चाइल्ड लॉक वगैरह, विंडोज़ लॉक और पावर विंडोज़ और ORBM, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से सेट करने का, हेडलाइट्स वगैरह सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सीट का ओके, अब सुरक्षा के मतलब सेफ्टी और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्सा ग्रैंड विटारा अल्फा में इंजन, इमोबिलाइजर, स्टीयरिंग के बारे में बता दूं, ABS, ड्यूल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा कंट्रोल, सारे आपको फैसिलिटीज आपको दी गई हैं। ये गाड़ी भारतीय रोड सुरक्षा को मानक कवर पूरा आया है, मतलब सारे गवर्नमेंट पॉलिसी यहां पे आपको वॉइस कंट्रोल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं, नेक्सा ग्रैंड विटारा अल्फा में 1.5 लीटर के यहां पर K15B बेंजिन इंजन का इस्तेमाल किया गया है एंड नेक्स्ट मॉडल है अल्फा। यह इंजन 105 BHP की मैकेनिकल पावर दिया गया है ओके, और 138 न्यूटन मीटर कर सकते हैं एंड मैकेनिकल टॉर्क उत्पन्न करता है, मतलब कि ये इसकी पावर्स हैं, टॉर्क पावर जो है वो है 138 यानी 138 एंड BHP जो इसका पावर है इंजन का वो है 105 ठीक है। ग्रैंड विटारा अल्फा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हो जाती है, मतलब कि आपको ये मैनुअल भी मिल जाएगी, जैसे मैंने बताया मैनुअल गियर ट्रांसमिशन आपको 5 गियर मिलते हैं तकरीबन, और आपको ये AGS यानी ऑटोमेटिक में भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, सो यू डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये सुविधा प्रदान करते हुए किस चीज़ की, गाड़ी बिजी या DG मोड में चलाई जा सके ताकि और बेहतर माइलेज प्राप्त किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया था हाइब्रिड है तो बहुत अच्छा माइलेज ये क्लेम कर लेती है। नाउ मेरे भाई ऊपर ये जो फैब्रिक दिख रहा है ना ये पैरानोमिक सनरूफ है जिसे कवर किया हुआ है जो प्रोटेक्शन के लिए, एंड इतना बड़ा सनरूफ सिर्फ आपको ग्रैंड क्रेटा में देखने को मिला था, उसके बाद ये क्रेटा से भी बड़ा सनरूफ इसमें दे दिया है। यहाँ पे आपको एक मिरर के अंदर ही छोटा सा हैलोजन लैंप मिल जाएगा, बल्ब मिल जाएगा इसके साथ आती है। इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में आप अपने आसपास के जो भी नज़दीकी नेक्सा शोरूम्स हैं वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने क्लियर कर रखा है मेरी इस चैनल पे मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं डालता हूँ, सिर्फ मेरा पर्पस होता है आप तक सही इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट, इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर है, 45 लीटर तेल डला के आप इस लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, एंड 5 सीटर ये गाड़ी है, 7 सीटर नहीं है। एक तरीके से ओवरऑल कंप्लीट फीचर ये कार है, इतने ज़्यादा फीचर्स मुझे किसी वेरिएंट में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं मारुति के, और प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी भी लगती है ग्रैंड विटारा। नाउ यार सारी चीज़ ओवरऑल कंप्लीट हो गई, अगर मैं माइलेज की बात करूँ कंपनी के तो ये 19 से 21 तक का माइलेज क्लेम कर रही है ठीक है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये ड्राइवर्स के बीच में है, एक बोतल रखने के लिए सॉकेट है एक तरीके से, तो 19 से लेके 21 तक का तो कंपनी इसका माइलेज क्लेम कर रही है। 1462 CC का इसका इंजन मिल जाता है, पैसेंजर स्पेस काफ़ी अच्छा मिल सकता है, कॉफी कलर ड्यूल टोन आपको इसका अंदर का इंटीरियर मिल जाता है, एंड प्राइस की अगर फाइनली मैं बात करूँ तो भाई ग्रैंड विटारा आपको 17 लाख से स्टार्टेड है, एंड एज यू वॉन्ट जितना आप चाहो जितना आप जो है तो गोल्ड डालो मीठा होता जाएगा, तो 20-22 लाख भी आप ले जा सकते हो। तो स्टार्टिंग इसकी 17-18 लाख से है, आप परचेस कर सकते हैं अपने नियर बाय कोई भी नेक्सा शोरूम से, एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, कुछ भी जो आपके डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे पीछे भी देखो चार्ज करने के लिए इसमें ऑप्शन, यार मैं कह रहा ना कंप्लीट इतने ज़्यादा फीचर्स हैं किसी गाड़ी में मैंने नहीं देखे, लिटरली बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा फीचर्स के मामले में मुझे ये गाड़ी ग्रैंड विटारा अल्फा बहुत ज़्यादा ऑसम लगी। यहाँ पे आप फाइल कैरी कर सकते हो पीछे पैसेंजर साइड में, यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है दोनों सीट्स में, एंड शानदार पैसेंजर एक्सपीरियंस आपको, सीट बेल्ट वगैरह सेफ्टी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों ये था ओवरऑल रिव्यू ऑफ द ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी नेक्सा अल्फा का। अल्फा टॉप वेरियंट है तो सारी चीज़ें मैं आई होप आपको बता पाया हूँ, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना,
एंड ये देखो DRL कितने प्यारे हैं, फॉग लैम्प कितने प्यारे हैं, लुक कितना ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का। अगर आप कोई SUV प्लान कर रहे हो तो ग्रैंड विटारा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन 2023 फॉर यू। 2023 में इससे अच्छा ऑप्शन SUV के मामले में आपके पास नहीं होगा, बिकॉज यार काफ़ी सारे फैक्टर्स में, जिसमें सबसे फेवरेट चीज़ मेरी सनरूफ है। सनरूफ जिस गाड़ी में होता है मुझे वो लिटरली अच्छी लगती है। ये तो एलॉय व्हील भी देखो कितने ज़्यादा कूल है, और सनरूफ भाई इसमें पैरानोमिक है, यानी बहुत बड़ा सनरूफ। आपके लिए कौन सी गाड़ी सुटेबल है, इट्स टोटली चॉइस फॉर यू। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, कार का रिव्यू पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और कुछ भी पूछना हो ओवरऑल द ग्रैंड विटारा आप मुझे कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को फॉर ऐसे बेस्ट वीडियोज के लिए।